जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आज हम तुलसी विवाह तैयारी कैसे करते हैं, आसान सरल विधि, और हम देव कैसे उठाते हैं उसके बारे में जानकारी वीडियो है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। तो इस तरीके से आपको तुलसी माता के कुंड पे जाके पूरी तैयारी कर लेनी है। अपने मंदिर में करनी है या फिर अपने आंगन में, अपने हॉल में, जहाँ चाहे आप वहाँ इस तरीके से आकृति बना सकते हैं। सबसे पहले आपको देवों का घर बनाना होता है, हमें तो देवों का घर बना लेते हैं सबसे पहले। फिर हम यहाँ पे देव बनाते हैं, फिर तुलसी माता का हम पूजन कर रहे हैं। तुलसी विवाह है, शालिग्राम तुलसी विवाह, तो हम यहाँ तुलसी माता की आकृति बना लेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे, और घर में जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से हमें पैरों के निशान बनाने हैं और आकृति बनानी है, और एक जोड़े पैरों के निशान एक्स्ट्रा हमें बनाने हैं। नए मेहमान या लक्ष्मी माता के आने का संकेत है जो हमें बनाने हैं। और फिर इस तरीके से हम फूल चढ़ाकर एक बीच में जो हम देवों का घर बनाए हैं वहाँ पे सेंटर में फूल रखकर, और वहाँ पे एक साफ बर्तन लेना है, थाली जो प्लेट जो भी आप ले सकें लेकर, और फिर उसमें छोटा सा स्वास्तिक बना लेना है चिन्ह बना के, और फिर उसमें हम देव सुलाते हैं और फिर देव उठाते हैं। देव उठनी एकादशी हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से इस तरीके से पूजन करते हैं लक्ष्मी विवाह की एकादशी की। तो हम उसी आसान सरल विधि आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास अभी कुछ भी सामग्री नहीं है तो सुबह की तैयारी, जैसे सभी लोग जैसे एक दिन पहले ले आते हैं या फिर उसी दिन लाते हैं तुरंत में, जैसे हमारे पास सामग्री नहीं है तो सिर्फ हम देव उठाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नारियल है थोड़ा बहुत, जो भी प्रसाद भोग है या बना के पहले से हलवा चूरमा जो भी आप बनाना चाहें वो बना लें, और फिर यहाँ पे अगर आपके पास ऋतु फल है तो ऋतु फल रख लें, थोड़ा सा अनाज रख लें, प्रसाद रख लें, और एक नारियल और थोड़ा जल और एक दीप जरूर रखना है, क्योंकि देव उठाने के लिए ये सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है आरती करने के लिए, और हमारे पास जो भी यथाशक्ति दक्षिणा है वो रख लेना है, और एक लोटा जल अलग से रख लेना है। देव भी देवता आते हैं तो उनको जगाने के बाद हमें पैर धुलाना है, आचमन कराना है, उनका स्नान कराना है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम को भी एक कटोरी में रख के फूलों का आसन देते हुए रख लीजिए, स्थापित कर लीजिए, और इस तरीके से आप इन सभी को जो भी हमने फल फूल रखे हैं, अगर आपके पास गन्ने आ गए हैं तो गन्ने सिंगाड़े भी यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, शाम को पूजा की तैयारी में तो आ ही जाएंगे, तो हम बाद में ये सारी चीज सामग्री लगा सकते हैं, रख सकते हैं। अभी जितना है जो है उसमें हम देव उठाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक साफ बर्तन ढक देते हैं, उसमें परात या कोई बड़ी सी परात है या टोकनी है आपके पास, जो भी व्यवस्था है आप उसको वहाँ पे ढक दीजिए। अब इस तरीके से हमारे देव यहाँ पे सो गए हैं। अब हम सुबह से ये तैयारी करके रख लेते हैं और फिर शाम के समय हम आकर के इसको उठाएंगे। तो इस तरीके से हम देवता उठाने की तैयारी पूरी हमारी हो चुकी है। इस तरीके से हम सुबह से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं देव उठानी एकादशी देव उठाने की। अब हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जब हम शाम की पूजा करेंगे तो सबसे पहले आकर हम यहाँ देवों को उठाएंगे।
सकते हैं, भगवान को उठा लेंगे और शाम को तुलसी विवाह की तैयारी कर लेंगे। भगवान शालिग्राम देवता को या आपके पास विष्णु भगवान की या कृष्ण भगवान की जो भी मूर्ति विग्रह है, आप उनको विवाह के लिए तैयार कर लें और घर में विराजमान कर दें। तुलसी माता सहित चौक पूर कर बहुत अच्छे से धूमधाम से गन्ने का मंडप बना कर और हम यहाँ पे अब शाम को तुलसी विवाह करेंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता।